तो आप लोग को पूरा सीमा प्राण कथा का माहौल दिखाऊंगा, आपको अपडेट दूंगा। तो दोस्तों बने रहो मेरे चैनल में, और चैनल में पहली बार आओगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। तो मैं अभी कोड़िया गांव में हूं, और ये वाला जो रास्ता है वो दुर्ग भिलाई तरफ से आता है और इधर जाता है। ये वाला जो रास्ता है धमधा, अगर आप दुर्ग भिलाई तरफ से आते हो, धमधा तरफ से आते हो, तो आपको वाहन को यहीं पर पार्किंग करना पड़ेगा, फिर आपको यहाँ से तकरीबन 1.5 किलोमीटर की दूर में पैदल जाना पड़ेगा। फिर यहाँ पे आपको बैनर पोस्टर भी दिख जाएगा पूरा सीमा पुराण कथा, और ये गेट बना हुआ है, और देख सकते हैं पूरा बाइक को यहीं पे रोका जा रहा है। तो ये दोस्तों कथा स्थल के लिए जाने के लिए प्रवेश द्वार बना हुआ है, और यहाँ पे पुलिस प्रशासन भी व्यवस्था देखने के लिए खड़ा हुआ है। देख सकते हैं लोगों की भीड़ बहुत ही ज़्यादा संख्या में आज लोग आए हुए, देख सकते हैं ज़बरदस्त भीड़ है। जितने लोग पंडाल के भीतर बैठे हुए हैं उससे ज़्यादा तो बाहर में है। महादेव पंडाल के भीतर जितने भक्तगण बैठे हुए हैं उससे ज़्यादा पंडाल के बाहर है। इससे आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस कोड़िया गांव में शुरू दिन सीमा प्राण कथा सुनने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ चुकी है। लाखों की तादाद में यहां पे लोग पहुंचे हुए हैं सीमा प्राण कथा सुनने के लिए, और अभी 5 बजने वाला है, गुरुदेव का आरती होने वाला है। जो दूर दूर में भक्तगण बैठे हुए हैं उसके लिए यहां पे LED स्क्रीन भी लगाया गया है, जिसमें भक्तगण भीड़ देख सकते हैं। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा भीड़ है यार, वाले जो भक्तगण है पूरा आ गए, पूरा पंडाल में बैठे हुए, पंडाल भर चुके हैं। इधर भी देखेंगे पीछे में तो पीछे तरफ भी पूरा भक्तगण बैठे हुए हैं, इसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। भक्तों की बहुत ही ज़्यादा भीड़ है सीमा प्राण कथा सुनने के लिए और गुरुदेव के दर्शन करने के लिए। पच्चीस प्रेत योगी में पड़ा, इसकी मुश्किल नहीं होती। कहा शिव महापुराण की कथा कर रहा, किसके पास जाऊं? सुमरुका जी के पास जाऊं। सुमरुका नाम गरुड़ासन विश्राम साजे, ओम हर 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 महादेव। चतुर्भुज प्रति सोहे, जय जय जय।